रोजी रोटी की मांग को लेकर जीविका बचाओ मोर्चा ने सरकार को भेजा ज्ञापन। मुरादाबाद जीविका बचाओ आंदोलन मोर्चा के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से समिति ने कोरोना महामारी में लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए फड़ पटरी वालों, दिहाड़ी व प्रवासी मजदूरों, मुरादाबाद के पीतल दस्तकारों, पीतल मजदूर दुकानों, ढाबों व निजी स्कूलों तथा अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति व उनके सामने रोजी रोटी का संकट आता जा रहा है, जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन खेत का विषय है कि जहां एक तरफ लॉकडाउन में रोजी रोटी का साधन छिन गया है, वहीं बड़े बड़े बिजली के बिल, स्कूलों की फीस आदि के खर्चों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। भुखमरी के शिकार गरीब मजदूरों पर ऑनलाइन पढ़ाई का आदेश उनके साथ एक मजाक बनकर रह गया है। सरकारी स्कूलों के भरोसे निःशुल्क शिक्षा पा रहे लाखों बच्चों के अभिभावक काफी परेशान है। इसलिए जीविका बचाओ आंदोलन मोर्चा ये मांग करता है कि कोरोना बीमारी की जांच का इलाज मुफ्त की जाए, सभी छात्र छात्राओं की फीस माफ की जाए, ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक लगाई जाए, फड़ पटरी वालों, पीतल दस्तकारों, दिहाड़ी व प्रवासी मजदूरों को 12,000 प्रति माह की सहायता लॉकडाउन अवधि तक तथा रोजगार मिलने तक दी जाए। मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। हरकिशोर, क्या प्रदर्शन किया रहा है, क्या ज्ञापन दिया रहा है, थोड़ी जानकारी? देखिए, आज हम लोग जो हमारा पहले से निर्धारित था कि हम रोजी रोटी की मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे, ये हमारी आज हम 6 मांगों को लेकर यहाँ पर आए, जिसमें फड़ पटरी, ठेले वाले, पीतल दस्तकार, प्रवासी मजदूरों को 12,000 रुपये लॉकडाउन अवधि में दिया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरा मांग है कि जिस तरीके से बिजली के बिल हैं, उन बिजली के बिलों को 200 यूनिट तक माफ किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो कोरोना का इलाज है और उसकी जो टेस्टिंग है, ये निःशुल्क की जाए। जो उन्होंने इसका फीस रखी है वो आम लोगों की पहुँच से बहुत ज़्यादा है, वो इलाज लोग नहीं करा पाएंगे। तीसरा है कि जो पीतल फैक्ट्री है, इनसे जो श्रमिकों को निकाला जा रहा है, उनकी सरकार रोजगार की व्यवस्था करे, और जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं हो जाती है उनको 12,000 रुपये प्रति माह दे, और जो सभी उपभोक्ता हैं उनके राशन कार्ड बनाए जाएं और उन्हें पूरा राशन दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग जो है आज श्रीमान जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देंगे।